तैयारी कैसी? आज लड़के वाले आ रहे हैं ना देखने के लिए। देखने वाले आ रहे हैं बताया भी नहीं। मैं क्या कोई स्टील फोटोग्राफर हूँ जो मुझे देखकर हंसती रहती हो? मधु, इस बर्तन को रसोई में ले जा बेटा। कैसी हो? ठीक हूँ। आज इसे लड़के वाले देखने आ रहे हैं ना? हाँ बस आते ही होंगे, अब बैठिए ना। ये लड़की कौन है? मैंने आपको बताया था ना, हैदराबाद से आई है। महालक्ष्मी की बेटी है। बेटा जरा चाय ले, गला सूख। हाँ जी, अब बैठिए ना। तुम्हें साड़ी पहननी नहीं आती? तुम्हारा नाम क्या है? अनसुया राम सिंह। बाप की लाडली हो, दिख रहा है, दिख रहा है। और आप? फूलवती अम्मा। बुआ जी। फूलवती अम्मा। बुआ जी, आप आशीर्वाद दीजिए। अरे ये रहने दे। अरे अरे, आपको ही देना होगा, लीजिए। ऐसा शुभ काम तुम मेरे हाथों से क्यों करवा रही है? बुआ जी, आपका दिल अच्छा है, आपको ही आशीर्वाद देना होगा, दीजिए। आशीर्वाद देने में इतनी कंजूसी, हाथों में दर्द है क्या? नहीं बेटा, मेरी 12 साल की उम्र में शादी हो गई, 14 साल में पति मर गया। फिर से शादी क्यों नहीं की आपने? इतनी अकल नहीं थी ना मुझे। कब क्या बात करनी होती है आपको नहीं पता। तुम आ गए, देखो तो बहुत सुंदर है, मेकअप किया है। ये कैसा मेकअप है? इन बालों का क्या किया? फिल्मों में एक्टिंग करने जा रही हो? ठीक करो, देख क्या रही हो, जाओ। ये ले। बानू जी एकदम मस्त। ये साड़ी और ये मेकअप सब वो अपने साथ ही लेकर चली जाएगी। लेकिन तुम लाइफ लॉन्ग खुद के साथ ही रहोगी। भानु, ट्रेलर में कभी फिल्म दिखती है क्या? देखने आ रहे हैं उनमें तुम अपना बेस्ट तो नहीं दिखा सकती ना? आगे चलकर 10-12 साल बाद जब तुम्हारे बच्चे पैदा हो जाएंगे, किसी दिन एक शाम को तुम्हारी दी हुई चाय पीकर उसे एहसास होना चाहिए कि इतनी सही लड़की इतनी आसानी से कैसे मिल गई मुझे। ठीक है ना? तो हो जाए शुरू, चलो। बैठो। लड़की को गाना वाना आता है क्या? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथक, मणिपुरी, कथकली, ये सब नृत्य आते हैं। वो सब शादी के बाद आप लोगों से सीख लेगी ना। फाइन आर्ट्स पर बहुत रुचि है इसकी। आपके बेटे को कुछ आता है क्या? इसी सवाल की मुझे अपेक्षा थी। मैं 10 साल से बजा रहा हूँ। किसे बजा रहे हो? वीणा। ओह, वीणा से मैं विचलित कर सकता हूँ। जरा देखो तो उसे, लंगूर जैसा लग रहा है। और इसे भानु से शादी करनी है, मेरे रहते ये नहीं हो सकता। 2 दिन रह के हम चले जाएंगे, हमें क्या करना है इन सब से? मैं ना वर्षा ऋतु की तरह हूँ, भले 2 महीने बरसो लेकिन फसल साल भर होती है। लेकिन सूखा भी पड़ता है। सॉरी, साड़ी। सुनिए जी, जरा यहाँ आएंगे। क्या है? सूटकेस ओपन नहीं हो रहा है। सूटकेस यहाँ नहीं, वहाँ है। चैन थी इसमें। चैन अटक गई थी, मैं तो लॉक समझ रही हूँ। ओके, मैंने भी ऐसा ही समझा था। लेकिन
ये गलत बात है, मैं बता रहा हूँ। लड़की वहां पर है। लेकिन रिश्तेदार तो इस तरफ है ना? सुनिए जी, जरा यहाँ आइए ना। फिर से बुला रही है। हाँ मैंने सुन लिया। अब क्या हुआ? सूटकेस चुभ रहा है क्या? बंद नहीं हो रहा। बस एक बार दिखाई दे जाए। लड़की उस तरफ है, लेकिन सिग्नल इधर से आ रहा है। नितिन, नितिन कहा था ना? आ जाओ, मुझे लगा कह रही है। एक बार आओ ना। अब क्या हुआ नितिन? वो ना थैंक्स कहना भूल गई थी। थैंक यू। लड़की उस तरफ है, मुझे पता है, लेकिन आकर्षण सामने दिखाई दे रहा है। हाय। हाय, व्हाट अ शॉट। बस करो अब। आपका नाम क्या है जी? सुनिए, बस एक बात, मैक्सिमम 5 मिनट्स का टाइम दूंगा भागने के लिए। 2 मिनट काफी है पिताजी, भाग लो यहाँ से। जो भी आए उन सबको चाय पानी दे दो। थोड़ी चीनी हो तो डाल दो। भानु देखो ना, हम सबको छोड़ के चली गई। हे भगवान, ये क्या कर दिया? बस 15 मिनट के लिए मैं उस तरफ गई थी। आए भगवान, ये क्या? हे भगवान, ये क्या कर दिया? अब ज्यादा मीठी हो गई है, थोड़ी कॉफी पाउडर डाल दो। ये सब कैसे हुआ आंटी? तुम्हारे घर में किसी ने तुम्हारा शादी क्यों नहीं की पूछा था? शायद रात को मछली खाते खाते हंसी जा रही थी, हंस रही थी, खा रही थी, कांटा गले में चुभ गया और तब घुटने से मर गई। कोई रोते हुए जाता है तो कितना दर्द होता है, अरे ये तो हंसते हुए चली गई। पूरे गांव वालों के साथ बड़ा प्रेम से व्यवहार करती थी। हमें चली गई तो ये हंस मत, मेरी माँ ये लोग मार डालेंगे अपने को। अरे हंसो, हंस, समझ में नहीं आता, चलो यहाँ से चलो। बड़ी अम्मा, हमें छोड़कर तुम क्यों चली गई? बड़ी अम्मा, आजा। बड़ी अम्मा क्यों चली गई? बड़ी अम्मा। बबली का इतना खूबसूरत होना पता नहीं मुझे क्यों पसंद नहीं आया। मधु, मैं यहाँ हूँ। ये हमारी दूर की रिश्तेदार है।
कुछ दिन के लिए यहाँ आई है। कुछ दिन के लिए ना? वो नहीं है ना? वो मतलब ये वाला? बबली सासू माँ। अरे अरे, गांव में ये सब बहुत जरूरी होता है जी। जब हम आए थे तब क्यों नहीं बताया? कैसी हो बेटी? मैं ठीक हूँ सासू माँ। मधु इसे अंदर रख दो। अरे तुम भानु से मिलने आई हो? एक शर्ट दे दो बस काफी है, तो फिर जो कुछ पूछोगे वो बता देगी। बेटा खाना लगा दूँ? हाँ माँ लगा दो। बबली तुम भी आ जाओ। पहले मेहमानों को खिलाइए सासू माँ, मैं बाद में खा लूंगी। अब क्या हो गया? तुम्हारी होने वाली पत्नी को देखकर पेट भर गया होगा ना? मेरी तो भूख ही मर गई। तो मैं दूध भिजवा दूं? ना कहूंगी तो दोबारा उठाकर ले जाओगे? प्लेट यहाँ पे लाओ। आराम से, मेरे आराम से। मुझे बहुत गिल्टी सा फील हुआ। मुझे गुस्सा आया तो बस जो दिल में आता है वही करती हूँ, पर उसके बाद बहुत दुखी होती हूँ। मेरा सुसाइड अटेम्प्ट भी वैसा ही था अपनी माँ पर।